हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हॉट वर्क जैसे। आज हम जानेंगे हॉट वर्क का जैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, यानी वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और कटिंग का अगर हमें जैसे बनाना हो, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना हो तो कैसे करेंगे, फॉर्मेट कैसे रेडी करेंगे, इसमें क्या क्या हैजर्ड्स होंगे और क्या प्रिकॉशन लेना है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक इफेक्टिव जैसे प्रिपेयर करने के लिए हमें जानना होगा जैसे क्या होता है और जैसे के स्टेप्स क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जैसे क्या होता है। सो जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क में क्या हैजर्ड्स हैं, क्या रिस्क है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं और उस हैजर्ड को, उस रिस्क को कैसे कंट्रोल करें, क्या प्रिकॉशन मेजर ले सकते हैं, इसके बारे में डिसाइड करते हैं। वन टाइम में किसी एक स्पेसिफिक टास्क का हम जैसे करते हैं, जैसे कि इस वीडियो में हॉट वर्क का करने वाले हैं, ऐसे ही आप वर्क एट हाइट का कर सकते हैं, तो कोई भी एक टास्क का करेंगे वो तो इफेक्टिव होगा। तो ये भी देखते हैं कि जैसे के स्टेप्स क्या हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला है सेलेक्ट जॉब। सबसे पहले आपको कोई एक जॉब सेलेक्ट करना होता है जिसका आप जैसे करने जा रहे हैं, जैसे कि हॉट वर्क, वर्क एट हाइट, एक्सकवेशन, कोई भी एक टास्क, एक जॉब आप सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड है ब्रेक द जॉब। जो भी जॉब है उसके अलग अलग स्टेप्स होंगे, उसमें आपको ब्रेक करना है। जैसे कि मान लो हॉट वर्क है, उसमें आप वेल्डिंग करते हैं, गैस कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो जो जो सब एक्टिविटीज है उनको स्टेप में डिवाइड करना है। थर्ड स्टेप है डिटरमाइन हैजर्ड्स एंड रिस्क। जो भी आपने जॉब को ब्रेक किया अलग अलग स्टेप्स में, तो उस स्टेप्स में क्या क्या हैजर्ड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ है आइडेंटिफाई कंट्रोल मेजर्स। जो भी हैजर्ड्स है उनको कैसे कंट्रोल करना है आपको ये आइडेंटिफाई करना है फोर्थ स्टेप में। तो इस तरीके से आप जैसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो ये जैसे का फॉर्मेट है। तो इस जैसे में क्या क्या कॉन्टेंट है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे आप टॉप में देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे का डिटेल देना है, जैसे कि एक्टिविटी क्या है, किस एक्टिविटी के लिए जैसे है, लोकेशन क्या है, किसने प्रिपेयर किया, किसने अप्रूव किया, ये सारी चीज़ें आपको ऊपर मेंशन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये है जिसमें आपके सबसे पहला सब एक्टिविटी, यानी जो आप जैसे प्रिपेयर करें जिस एक्टिविटी के लिए, उसके अंदर सब एक्टिविटीज़ क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं। सेकेंड है हैजर्ड। जो भी आपने एक्टिविटी चूज़ किया है, जो भी एक्टिविटी का आप जैसे कर रहे हैं उसमें क्या क्या हैजर्ड्स हैं। और थर्ड है कंट्रोल मेजर, क्या क्या सूटेबल कंट्रोल मेजर्स आप ले रहे हैं इसके बारे में आपको यह मेंशन करना है। अगर आप ये फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। चलिए अभी जानते हैं किस एक्टिविटी में क्या हैजर्ड्स हैं और उसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर ले रहे हैं। सो सबसे पहला वेल्डिंग। वेल्डिंग में क्या क्या खतरे हैं, क्या हैजर्ड्स हैं देख लेते हैं। फायर ड्यू टू स्पार्क। जब भी हम वेल्डिंग वर्क करते हैं उसमें काफ़ी स्पार्क निकलता है तो उससे फायर हो सकता है। सेकेंड है इलेक्ट्रिकल शॉक। जो वेल्डिंग मशीन है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। थर्ड है बर्न इंजरी। जो भी वेल्डिंग का वर्क है उसमें काफ़ी हीट और काफ़ी स्पार्क निकलते हैं तो उससे बर्न इंजरी हो सकता है। फोर्थ है फॉल फ्रॉम हाइट। अगर आप हाइट पे वर्क कर रहे हैं तो फॉल फ्रॉम हाइट एक हैजर्ड है, तो ये आपके हैजर्ड से जो कि वेल्डिंग वर्क में है। तो इसके लिए क्या हम कंट्रोल मेजर ले रहे हैं देख लेते हैं। सो वेल्डिंग के दौरान आपको फर्स्ट प्रिकॉशन लेना है, रिमूव ऑल कम्बस्टिबल फ्लेमेबल एक्सप्लोजिव मटेरियल फ्रॉम वर्क लोकेशन। जिस लोकेशन पे आप हॉट वर्क कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ से सारे कम्बस्टिबल मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल, एक्सप्लोजिव मटेरियल हटा देना है ताकि जब भी कोई स्पार्क लीज हो उससे कोई फायर ना हो पाए। सेकेंड है जहाँ भी आप हॉट वर्क करेंगे उसे आप प्रॉपर बूथ के अंदर करेंगे, जो कि फायर ब्लैंकेट से बनाया हुआ होगा ताकि कोई स्पार्क बूथ के बाहर ना जाए और फायर के चांसेस कम हो जाए। थर्ड है जब भी हम हॉट वर्क कर रहे हैं वहाँ पर आपको गैस टेस्ट करना है ताकि ये पता लगा सके कि वहाँ पर कोई फ्लेमेबल गैस तो नहीं है, जिससे कि वर्क के दौरान कोई फायर ना हो पाए। नेक्स्ट है हॉट वर्क लोकेशन पे आपको फायर वाचर डिप्लॉय करना है, फायर एक्सटिंग्विशर और रनिंग वाटर होस वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। जो भी जॉब स्पेसिफिक पीपी, जैसे कि फेस शील्ड, लेदर हैंड ग्लव्स, एप्रोन, ये आपको प्रोवाइड कराना है। जो भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन हो वो ऑथराइज पर्सन ही करेगा। जितने भी इलेक्ट्रिकल टूल्स है वो ELCB से रूट होंगे ताकि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट हो, करंट लीकेज हो, तो ELCB आपका ट्रिप कर जाए और किसी भी वर्कर को या स्टाफ को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल केबल्स है वो कट और डैमेज फ्री होने चाहिए ताकि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके। जो भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे कि स्काफोल्डिंग या अगर हाइट पर वर्क कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म सर्टिफाइड होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर लाइफ लाइन एंकरिंग पॉइंट आपके होना चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट है जो कि आप हॉट वर्क में यूज़ कर रहे हैं उन सभी का इंस्पेक्शन होना चाहिए और उस पर टैग लगा होना चाहिए ताकि ये जान सके कि जो इक्विपमेंट है उसका इंस्पेक्शन हुआ है। नेक्स्ट एक्टिविटी है गैस कटिंग।
सो गैस कटिंग में क्या हैजर्ड्स हैं? सबसे पहला है फायर ड्यू टू स्पार्क ऑफ गैस टॉर्च। जब भी हम गैस कटिंग करते हैं तो गैस टॉर्च से काफ़ी स्पार्क निकलता है तो उससे फायर लग सकते हैं। सेकेंड है फायर एंड एक्सप्लोजन ड्यू टू फ्लैश बैक। अगर होस में सिलेंडर में कोई भी फ्लैश बैक होता है तो उससे फायर हो सकता है, कोई भी एक्सप्लोजन हो सकता है। थर्ड है फायर ड्यू टू गैस लीक फ्रॉम होस ज्वाइंट। जो भी आपके होस है, होस के ज्वाइंट से वहाँ से गैस लीक हो रहा है तो वहाँ से भी फायर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। फोर्थ है गैस सिलेंडर में टॉपल। अगर हम गैस सिलेंडर को प्रॉपर ट्रॉली में नहीं रखें, फिक्स करके सिक्योर करके, तो गिर सकते हैं, किसी को भी इंजर्ड कर सकते हैं। तो देखते हैं गैस कटिंग में जो हैजर्ड्स हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है। फर्स्ट है, जो भी हम गैस कटिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर बूथ के अंदर करना है ताकि जो स्पार्क है बूथ के बाहर ना सके। जो भी गैस कटिंग सेट है उसमें फ्लैश बैक अरेस्टर लगा होना चाहिए ताकि जो फ्लैश बैक है उसे रोका जा सके। कोई भी डैमेज होस आपको यूज नहीं करना है। जब भी आप जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले आपको लीक टेस्ट करना है सोप सॉल्यूशन से। ये लीक टेस्ट कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गैस कटिंग के दौरान फायर एक्सटिंग्विशर रनिंग वाटर होस आपको रेडी रखना है ताकि इन केस ऑफ फायर इसका यूज़ किया जा सके। जो भी आपका सिलेंडर है उसको आपको ट्रॉली में रखना है, अपराइट पोजीशन में रखना है और उसे चेन से लॉक करके रखना है ताकि वो अनबैलेंस होकर गिरे ना, किसी को इंजर्ड ना करे। नेक्स्ट एक्टिविटी है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में क्या क्या हैजर्ड से देख लेते हैं। फर्स्ट है अनगार्डेड ग्राइंडिंग मशीन। जो भी ग्राइंडिंग मशीन है अगर उस पर गार्ड नहीं लगा है तो ये एक हैजर्ड है, किसी को भी इंजर्ड कर सकता है। सेकेंड है ग्राइंडिंग व्हील में डिटैच। जो भी ग्राइंडिंग व्हील है अगर उसे प्रॉपर फिक्स नहीं करते हैं तो वर्किंग के दौरान खुल सकता है, ओपन हो सकता है और किसी को भी इंजर्ड कर सकता है। थर्ड है फायर ड्यू टू स्पार्क। ग्राइंडिंग के दौरान काफ़ी स्पार्क निकलते हैं, उससे फायर हो सकते हैं। फोर्थ है इनएडिक्वेट पीपीज। अगर प्रॉपर पीपीज नहीं है ये भी एक हैजर्ड है। सो ग्राइंडिंग के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं देख लेते हैं। तो जो भी ग्राइंडिंग मशीन है उसके ऊपर प्रॉपर गार्ड लगा होना चाहिए और वर्क से पहले इंस्पेक्शन उसका होना चाहिए। जो भी ग्राइंडिंग मशीन है उसमें जो व्हील आता है उसका एप्रोप्रिएट साइज आपको यूज़ करना है और प्रॉपरली उसको फिट करना है। जो भी ग्राइंडिंग का वर्क है इनसाइड बूथ करना है ताकि जो स्पार्क है बूथ के बाहर ना जाए और कोई भी फायर एक्सीडेंट ना हो। जो भी आपके जॉब स्पेसिफिक पीपी जैसे कि फेस शील्ड, लेदर हैंड ग्लोव्स, एप्रोन, ये आपको यूज़ करना है। तो ये है जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस हॉट वर्क का, जिसमें कि हमने वेल्डिंग, गैस कटिंग और ग्राइंडिंग के बारे में जाना। तो अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वन क्लिक में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।